आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमने अपने Redmi के 9A या फिर अपने Redmi के 9i डिवाइस के अंदर एक और कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लिया जिसका नाम है रिमोटेड यू आई। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रोम का फुल रिव्यू देने वाला हूँ, कैसे है यह रोम, आपको इसको यूज़ करना चाहिए नहीं, डेली यूज़ के लिए रोम कैसे होने वाले, पूरी परफॉर्मेंस के बारे में बातें आज की इस वीडियो में करने वाले। तो यार थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, Redmi 9A या फिर 9i यूज़र हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इस टाइप से रिलेटेड में वीडियोस हमेशा अपने चैनल पर लाते रहता और लाते रहूंगा। ठीक है तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लग जाना, मैंने थंबनेल में लिखा था MIUI 14 बट ये जो रोम है बेस्ड MIUI 12.5.9.0 पर, जो कि एकदम चाइना का या आपके लोग ग्लोबल का जो एकदम अपडेट होता है उससे उस रोम के ऊपर से इसको मोड कराया गया एंड ये एंड्रॉइड वर्जन 11 पर है। हाँ, अब मैंने MIUI 14 क्यों लिखा था थंबनेल में आपको मैं आगे बताऊंगा, जिससे ये एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसका जो सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है वो है 9 यानी सितंबर का, मतलब पिछले साल सितंबर का है, जो कि यार नॉर्मल सी बात है, ये कस्टम रोम में तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको MIUI 14 के काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड यार काफी ज्यादा सही रोम मेरे को लगी, इसलिए मैं इसमें MIUI 14 के बारे में वैसे लिखा है एंड यार काफी सही है। अगर इसमें MIUI 13 आ जाते तो यार काफी ज्यादा सही होता, बट MIUI 13 अब तक रिलीज ही नहीं करा गया इस डिवाइस के लिए। लिस्ट में तो नाम था बट चाइना में भी नहीं है, ग्लोबल और इंडिया में तो नामो निशान नहीं है MIUI 12.5 का भी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले MIUI का डायलर हमारे देख सकते हैं, यहाँ पे MIUI का डायलर आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही देखने को मिलता है। यहाँ पे इसमें आपको वोल्टी जो है वर्किंग देखने को मिलता है, मैंने इसमें चेक करके देखा था वो वाईफाई पे कॉल लगा क्या नहीं, काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। यहाँ पे जियो का सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी ये देख सकते हैं MIUI का मैसेजिंग एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी कैमरा एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कैमरा जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा सही है, इसके अंदर आपको 1080 30 जो नॉर्मल कैमरा वही आपको देखने को मिलता है। थोड़े जो पिक्चर है मैं आपको सिंपली क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के अंदर सिंपली हम जाएंगे पोर्ट्रेट मोड के अंदर एंड सिंपली मैं आपको जो पिक्चर्स क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम जाएंगे गैलरी के अंदर एंड आपको मैं आपको सिंपली शो करता हूँ। ठीक है यार, देख सकते कैमरे के जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है, मुझे जो यार ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा सही लगा, तो ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप चाहते इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो थिंग मेरे को इसमें जो अच्छी लगी, इसमें आपको ब्लूटूथ कम से कम देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी ब्लोटर देखने को मिलता है, जो भी फालतू एप्लीकेशन जैसे कि COC इंस्टाग्राम वगैरह सारे मैंने इंस्टॉल करे, जो व्हाट्सअप टेलीग्राम यूट्यूब वगैरह सब मैंने इंस्टॉल करे, बाकी इसमें आपको कुछ ब्लोटर वगैरह देखने को नहीं मिलता। MIUI 13 का जो है कुछ इस टाइप से आपको वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है एंड बाकी पावर मेन्यू की बात करें तो एज यूजुअल नॉर्मल देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते स्टेटस बार के ऊपर कुछ इस टाइप से टाइमर का देखने को मिल रहा होगा, जो कि मोनेट सपोर्ट करता है, यहाँ पे वॉलपेपर बदलोगे तो यहाँ पे जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। बाकी सेटिंग्स के अंदर हम चलते सेटिंग्स के अंदर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम थोड़ी सी ब्राइटनेस फुल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको माई डिवाइस के अंदर मैं दिखा दे रही हूँ 12.5.9 एंड इनके जो डेवलपर है वो है विवेक, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी है, आप उनसे चाहे तो कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो भी मे भी आ सकता है। नेक्स्ट हमको रिमोटेड फीचर देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 3 फीचर देखने को मिलते हैं, एक क्विक रिप्लाइज जो कि MIUI 11 का फीचर है एंड इसमें भी अप्लाई मतलब हमको इंस्टॉल देखने को मिलता है, जो काफ़ी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी लाइट मोड जो कि आपको पता ही होगा एंड यहाँ पर DPI चेंजर यानी आप अपने फोन की जो साइज वगैरह वो छोटी बड़ी कर सकते हो। सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क वो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, सारे सिम अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड यहाँ पे कॉल वगैरह में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बाकी वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन। बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म्स यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वॉलपेपर सब कुछ देखने को मिलता है। कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आपको मी शेयर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि दुखद बात है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यार इसको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बाकी लॉक स्क्रीन के अंदर लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलता है, सारे MIUI 12.5 के फीचर देखने को मिलते हैं, MIUI 14 के फीचर्स में देखने को मिलता है। बाकी जो अच्छी चीज़ वो मेरे को लगी इसमें होम स्क्रीन, एक नया होम स्क्रीन लॉन्चर इसमें अप्लाई मतलब डाला गया, जो कर काफ़ी चाहिए डिफॉल्ट लॉन्चर जो है तो सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको काफ़ी सारे जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। एनिमेशन स्पीड आप इसमें चेंज कर सकते हो, रिलैक्स्ड बैलेंस एंड फास्ट कर सकते हो, एनिमेशन रीड कर सकते हो, एनिमेशन को आप डिसेबल भी कर सकते हो आप चाहो तो। बाकी आप आपको होम स्क्रीन में एब्रोच या फिर क्लासिक चाहिए आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको अनलॉक एनिमेशन देखने को मिल जाती है, डोंट शो टेक्स्ट का फीचर, यहाँ पे सर्च बार के स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सर्च बार ब्लर का जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है, विजेट्स यहाँ पे फोल्डर ब्लर, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आइकॉन यहाँ पे अरेंज आइटम्स एंड रीसेंट के अंदर iOS रीसेंट मेन्यू भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कुछ इस टाइप से ब्लरिंग रीसेट कर सकते हो, यहाँ पे हाइड फ्लोटिंग विंडोज, यहाँ पे क्लियर बटन का जो स्टाइल वो आपको कैसा चाहिए सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, देख सकते कुछ इस टाइप से जो iOS वाला आपको देखने को मिलता है।
जो अगर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट ऊपर आपको फ्लोटिंग विंडोज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप फ्लोटिंग विंडोज़ इसके अंदर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स इन्हें काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। बाकी गेम टर्बो भी आपको इसमें 5.0 देखने को मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट एंड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने इसको यूज़ करके देखा, एंड इसे कुछ स्टेप्स आता है आपको रिलोड वगैरह करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गेम टर्बो मैंने यूज़ करके देखा एंड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यार गेम टर्बो में आपको दिक्कत वाली नहीं आने वाली है। कोई दिक्कत आती है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड वहाँ पर मेरे को कुछ भी चाहो आप बता सकते हो। बाकी और चीज़ों की हम बात करें, इसके अंदर जो है आपको MIUI 14 के जो फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ इस टाइप से आप एप्लीकेशंस को जो बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाएंगे, इसको अगर साइड में ले तो यहाँ पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एडिट आइकन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे जो है लेआउट्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप से। उसके लिए जो हमको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, तो हम सिंपली तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2:1, 1:2, 2:2 यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिले, जो अगर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे थे। यहाँ पर टैप करूंगा, यहाँ पर अप्लाइंग वगैरह कुछ इस टाइप से जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी एडिट आइकन में अगर हम जाएंगे वापस से तो यहाँ पे नीचे आपको काफ़ी सारे जो इसके कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। असल में जो MIUI 14 आया था उसके अंदर आपको सारे पेड चीज़ें देखने को मिलते थे, बट इसके अंदर जो है आप इसको फ्री में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हम टैप करके रखेंगे एंड सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे टिक पे, एंड इधर से कुछ इस डाउनलोड होगा एंड उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको पेड देखने को मिलती थी, बट इस रूम के अंदर आपको ये सारे फ्री देखने को मिलेंगे। कुछ स्टेप से काफ़ी ज़्यादा सही मेरे को देखने में लगा। बाकी इसको रिमूव वगैरह कर सकते हो कुछ स्टेप से। बाकी और चीज़ अगर मैं आपको दिखा तो यहाँ पे वेदर वाला एप्लीकेशन है, इसको हम जाएंगे तो इसके अंदर भी आप एडिट आइकन इस्तेमाल कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे सिस्टम एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप ये वाले एडिट आइकन का जो फीचर है आप इसमें एनेबल कर सकते हो। बाकी इसको रीलोड होने में वगैरह में टाइम लगता है। बाकी कुछ जब से यहाँ पे काफ़ी सारे आपको थीम्स देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो ये भी वर्क करता है। बट यहाँ पे आपको जो करना क्या पड़ेगा मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसके लिए थोड़ी बहुत जगह लगती है तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी और चीज़ों की हम बात करें तो वो है फोल्डर। देख सकते कुछ स्टेप से फोल्डर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सिंपली इस फोल्डर को जो हम यहाँ पे ले आते हैं इस साइड में, जिसे मैं आपको आसानी से दिखाऊं। यहाँ पे आपको एडिट फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रेगुलर, यहाँ पे डबल एक्सेल, यहाँ पे रेगुलर करेंगे तो नॉर्मल फोल्डर आ जाएगा एंड कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। इस पर आप एडिट फोल्डर पे जाओगे तो एनलार्ज्ड आ जाएगा, इन्हें काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी देखिए कुछ इस टाइप से एंड जो बाउंसी एंड ब्लरी इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, यार ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी नीचे आपको गूगल का सर्च बार देखने को मिलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सही मेरे को देखने में लगा। बाकी आपके यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है एडिट आइकॉन एंड वीडियोस का जो सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी इसकी जो बूट एनिमेशन है वो RUI नाम की आती है, आप इसको जरूर से चेकआउट कर लेना, मैं भी दिखाने जाऊँगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। बाकी इसका जो एंटीटू स्कोर मेरे सामने निकल के आया है वो अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दिखेंगे सिंपली एंटीटू एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे दिस इज एंटीटू बेंचमार्क। 1,03,000 तक इसका स्कोर है वो निकल के एंड काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से कि MIUI की रोम के लिए, एंड यार काफ़ी ज़्यादा सही मेरे को ये रोम देखने में लगे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते, बट MIUI 14 के इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिले एंड MIUI का डायलर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही, कैमरा भी अच्छा है, तो यार आप इसको अपने डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ बाकी 12 का कंट्रोल सेंटर भी है, बट यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, इस रूम को आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्लैश करना कैसे करना उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो यार ये यार छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले न्यू वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।